द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होता है उसको समझने के लिए आप एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप वीडियो देख सकते हो, और इसको अच्छे से समझने के लिए टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल अगर आपने पढ़ना चाहते हो तो आप टी फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल कैसे बनता है उससे रिलेटेड एक वीडियो भी है जो आप देख सकते हो। तो मूविंग अप नेक्स्ट विद दैट, तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल बना हुआ है टी फ्लिप फ्लॉप का। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर आप इसकी एक ही इनपुट होती है टी टॉगल, अगर आप इसको ज़ीरो इनपुट देते हो टी लाइन को तो आपके आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आता, ज़ीरो है तो ज़ीरो रहती है, वन है तो वन। अगर आप इसको वन बोलते हो तो आपका फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है, मतलब आउटपुट ज़ीरो आ रही है तो नेक्स्ट वन आनी शुरू हो जाएगी, वन आ रही थी तो नेक्स्ट उससे ऑपोजिट ज़ीरो आनी शुरू हो जाएगी, तो टॉगल करता है आपके फ्लिप फ्लॉप को ये टी इनपुट। अब हम एक्साइटेशन टेबल को देखते हैं, तो एक्साइटेशन टेबल में आपको करंट और नेक्स्ट आउटपुट के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या इनपुट दी जाए कि ये करंट आउटपुट से ये नेक्स्ट आउटपुट आनी शुरू हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ज़ीरो करंट इनपुट कंसीडर कर रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट आउटपुट भी ज़ीरो ही आती रहे, मतलब बेसिकली नो चेंज है, तो हमें टॉगल को क्या इनपुट देनी चाहिए, हमें टॉगल को कोई इनपुट नहीं देनी चाहिए, मतलब लो इनपुट देनी चाहिए, दैट इज़ ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर अब करंट आउटपुट है ज़ीरो, नेक्स्ट हमें चाहिए वन, मतलब टॉगल करवा रहे हैं हम आउटपुट को, तो टॉगल करवाने के लिए हमें ऑब्वियसली टॉगल करानी पड़ेगी इनपुट भी, यानी टी को हमें इनपुट देनी पड़ेगी वन। तीसरा कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, वन है आपकी करंट आउटपुट, नेक्स्ट है ज़ीरो, तो ऑब्वियसली अगेन आउटपुट आपकी टॉगल हुई है, तो टॉगल इनपुट आपको हाई ही देनी पड़ेगी, यानी वन ही देनी पड़ेगी। चौथा कॉम्बिनेशन वन वन, तो यहाँ पर आपकी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है करंट से नेक्स्ट में, तो आप टॉगल को क्या इनपुट दोगे, ज़ीरो इनपुट दोगे ताकि कोई भी चेंज ना हो। दैट्स ऑल अबाउट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।